मित्रों, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड है। अरे सभी कांडों में एक से एक रोचक घटनाओं और पात्रों का वर्णन मिलता है। कई पात्र तो ऐसे हैं जिनके बारे में जानने के बाद हमारी उत्सुकता और बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक किरदार का नाम है काकभुशुंडी, जिनसे जुड़ी है श्राप, पुनर्जन्म और राम भक्ति की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। क्या है काकभुशुंडी की कथा में खास, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, काकभुशुंडी के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें सर्वप्रथम लोमश ऋषि के बारे में जानना होगा। लोमश ऋषि एक उच्च कोटि के विद्वान और शिव भक्त थे। इनके शरीर पर बहुत सारे रोए थे, इसीलिए इनका नाम लोमश पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्होंने 100 वर्ष तक कमल पुष्पों से भगवान शिव जी की आराधना की। इस भक्ति भाव को देखकर शिव जी भी अत्यधिक प्रसन्न हुए और इनको वरदान दिया कि कल्पांत होने पर इनके शरीर का केवल एक बाल झड़ा करेगा, यानी जब इनके शरीर के सारे रोम गिर जाएंगे तभी इनकी मृत्यु होगी। मित्रों, लोमश ऋषि सदा तीर्थाटन किया करते थे और बहुत बड़े धर्मात्मा थे। ये प्राय अपने शिष्यों का ज्ञान वर्धन करते थे। इन्हीं शिष्यों में एक बेहद चपल स्वभाव का शिष्य भी था, जो बार बार ऋषि से प्रश्न पूछकर प्रवचन में बाधा डालता। कभी पूछता, क्या आपने भगवान के दर्शन किए हैं, तो कभी पूछता, हम उनके दर्शन कैसे कर सकते हैं। वो लोमश ऋषि से कई प्रश्न पूछता और खूब बहस करता, जिससे ऋषि की एकाग्रता भंग हो जाती। एक दिन ऋषि को तेज क्रोध आया और उन्होंने श्राप देते हुए अपने उस भक्त से कहा, तू कौए की तरह कांव कांव कर रहा है, शायद पहले के जन्म में तू कौआ ही था और अगले जन्म में भी कौआ ही होगा। और मित्रों, देखते ही देखते वो शिष्य तुरंत कौआ बन गया। पर लोमश ऋषि को ये देखने के बाद बड़ा पश्चाताप हुआ और वे दुखी हो गए। उन्होंने देखा कि मेरे द्वारा इतना भयंकर शाप देने के बाद भी वह व्यक्ति शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। आश्चर्यचकित होते हुए उन्होंने पूछा कि मेरे शाप से तुम्हें चिंता नहीं हुई, कौए की योनि तो निम्न मानी गई है, इस तरह का शाप सुनकर भी तुम विचलित नहीं हुए, कोई सवाल भी नहीं, आखिर बात क्या है और इसका रहस्य क्या है। फिर उनके उस शिष्य ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, गुरुवर, इसमें आश्चर्य और रहस्य जैसी कोई बात नहीं है, जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है, फिर मैं चिंता क्यों करूं, यदि मैं कौआ बना भी तो उसमें भी मेरा भला ही होगा। आप जैसे ऋषि एवं परम तपस्वी ने कुछ सोच समझ कर ही ये शाप मुझे दिया होगा। लोमश ऋषि उस व्यक्ति की श्रद्धा भाव देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम भक्त पक्षी के रूप में अमरता को प्राप्त करोगे और कौए के रूप में जहाँ रहोगे उस क्षेत्र में दूर दूर तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुराणों के अनुसार उसी व्यक्ति ने अगले जन्म में काकभुशुंडी नामक एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया, जिसने गरुड़ को राम कथा सुनाई थी। गरुड़ को राम कथा सुनाए जाने के पीछे भी एक बेहद दिलचस्प और रोचक घटना जुड़ी हुई है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में इसका उल्लेख इस चौपाई के द्वारा किया गया है। गिरिजा कहियूं सो सब इतिहास, मैं जेही समय गहियूं खग पासा, अब सो कथा सुनहु जेही हेतु, गयो काग पही खग कुल केतु। मित्रों, इसका अर्थ हुआ, हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा है जिस समय मैं काकभुशुंडी के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। मित्रों, असल में जब रावण के पुत्र मेघनाद और प्रभु श्री राम के बीच युद्ध हो रहा था, तब एक वक्त ऐसा भी आया जब मेघनाद श्री राम पर भारी पड़ता हुआ दिखा। आपको बता दें, मेघनाद कई मायावी शक्तियों का ज्ञाता था। उसने राम जी को नागपाश से बांध दिया था। ये दृश्य देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। तब देवर्षि नारद ने गरुड़ को पुकारा, क्योंकि वो सर्पभक्षी थे। गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर राम जी को नागपाश के बंधन से मुक्त करवाया। लेकिन प्रभु श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर, राम के परब्रह्म होने और महाशक्तिशाली होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी उनसे बोले कि मैं तुम्हारा संदेह तो दूर नहीं कर पाऊंगा, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। तब भगवान शंकर ने गरुड़ से कहा, तुम काकभुशुंडी जी के पास जाओ, वही तुम्हारी इस शंका का समाधान कर पाएंगे। और अंत में
काकमुशुंडी जी ने ही राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। एक अन्य कथा के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस अमर कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था और उसी कौवे का पुनर्जन्म काकमुशुंडी के रूप में हुआ। जब राम बालक थे तब वे उनके आसपास ही रहते थे। काकमुशुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी, इसीलिए वह राम के निकट रहकर बाल लीला का आनंद लेते रहे। लेकिन एक बार उन्होंने राम के हाथ से रोटी का एक टुकड़ा छीन लिया तो प्रभु राम रोने लगे। काकमुशुंडी भी सोच में पड़ गए कि क्या तीनों लोकों का स्वामी रोटी के एक टुकड़े के लिए रो सकता है। उनके मन में ये भ्रम उत्पन्न हो गया और वे ये सोचकर वहां से उड़ चले कि ये तो कोई साधारण बालक ही है। आकाश में बहुत ऊंचे और बहुत दूर जाने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह नन्ना सा बालक अपनी अद्भुत शक्ति से उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। काकमुशुंडी तभी चक्कर खाकर नीचे गिरने लगे। जब उन्हें होश आया तो देखा कि वह तो उसी बालक के चरणों में गिर पड़े हैं और बालक महल में अभी तक रो रहा है। प्रभु की ये लीला देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब से काकमुशुंडी प्रभु राम के परम भक्त एवं प्रकांड ज्ञानी के रूप में विख्यात हुए। ये भगवान के बाल रूप के उपासक माने जाते हैं और माना जाता है कि कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उन्हें उस शरीर से प्रेम हो गया था और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में वे काकमुशुंडी के नाम से पहचाने गए। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज द डिवाइन टेल्स को लाइक करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।